धुले में मराठा समाज का आंदोलन, सरकार से अध्यादेश लाकर आरक्षण बचाने की मांग। अरे कौन मानते देश नहीं, कौन मानते देश नहीं, आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण पर रोक लगाने के बाद से मराठा समाज के लोग सरकार से नाराज हो गए हैं और आंदोलन पर उतर आए हैं। आज मराठा समाज के कुछ लोगों ने धुले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने धरना दिया और याचिकाकर्ताओं के पुतले जलाए। उनका कहना था कि सरकार ने कोर्ट में हमारा पक्ष सही से नहीं रखा, इसलिए केस कमजोर हुआ और आरक्षण पर रोक लगी। अब हम सरकार से मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द एक अध्यादेश लेकर आए, जिससे जब तक कोर्ट में 5 जजों की बेंच का फैसला नहीं आता है, तब तक मराठा समाज के युवाओं को आरक्षण का लाभ मिलता रहे। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हम फिर एक बार आंदोलन करेंगे। हमने पिछली बार शांतिपूर्वक आंदोलन किया था, किसी भी तरह की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया था। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम इस बार तीव्र आंदोलन करेंगे। हमें उम्मीद है कि 5 जजों की बेंच हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगी, जिससे हमारे अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। मराठा आरक्षणाची जी सुनावणी आहे, ती सुनावणी 5 किंवा 11 न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी झाली पाहिजे, अशी असा नियम असताना, अशी मागणी असताना मराठा आरक्षणाची सुनावणी ही 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे, खंडपीठापुढे जी सुनावणीसाठी हे प्रकरण गेलेलं आहे, जर हे प्रकरण खाली चालत नव्हतं तर मग तुम्ही मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिलीच कशी, हा देखील संशोधनाचा विषय आहे। तुम्हाला जर ही केस चालवण्याचाच अधिकार नाही तर तुम्हाला या केसला स्थगिती देण्याचा अधिकार कोणी दिला, ही देखील संशोधनाचा विषय असून यामुळे मराठा समाजावर अन्याय झालेला आहे। संपूर्ण देशामध्ये वेगवेगळ्या राज्याने 50% आरक्षणाची जी मर्यादा ओलांडली आहे, त्यांच्याही देखील कर्नाटक सारखे असे काही राज्य असतील त्यांच्या देखील सुप्रीम कोर्टामध्ये केसेस चालू आहेत, परंतु राज्य शासनाने त्यांना जे आरक्षण बहाल केलेलं आहे त्याला कुठल्याही कोर्टाच्या कुठल्याही निकालाने धक्का लागलेला नाही। त्यांना आरक्षणाचे लाभ त्यांच्या विद्यार्थ्यांना असतील, नोकरदारांना असतील, ते मिळत आहेत, परंतु महाराष्ट्रातील मराठ्यांसोबतच ही अशी खेळी का खेळली गेली, हा आमच्यासाठी अतिशय धक्कादायक विषय झालेला आहे। आम्ही या शांततापूर्वक आंदोलनाच्या द्वारे शासनाला इशारा देऊ इच्छितो की जे काही परिस्थिती उद्भवलेली आहे ही मराठा समाजावर अन्यायकारक आहे, आणि जर तुम्ही खरोखर मराठा समाजाच्या बाबतीत, आरक्षणाच्या बाबतीत सकारात्मक असाल, तुमची भूमिका चांगली असेल, तुमच्या भावना, तुमची नियत चांगली असेल, तर तुम्ही तात्काळ अध्यादेश काढून जोपर्यंत 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडून या आरक्षणाचा निर्णय लागत नाही, जो काही लागेल, आमचा कोर्टावर विश्वास आहे, न्यायालयावर आमचा विश्वास आहे, जो निकाल येईल तो आम्ही मान्य करू, पण तोपर्यंत आरक्षणाचा लाभ आम्हाला मिळाला पाहिजे, म्हणून तात्काळ अध्यादेश काढून आमचा लाभ आम्हाला आरक्षण पूर्ववत केलं गेलं पाहिजे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ अध्यादेश काढावा आणि आम्हाला आरक्षण पूर्ववत करावं। मराठा आरक्षण को जो सुप्रीम कोर्टने स्थगिती दी है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हम समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार अपनी बाजू मारने में नाकाम हुई है। इस आरक्षण को हासिल करने के लिए हमारे कई 50 मराठा भाइयों ने अपने प्राण की आहुति दी है, हम उसको वाया नहीं जाने देंगे। हमने 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री साहब से ये बात की है, ये अपील की है कि हमको जो याचिका फिर याचिका हमको सुप्रीम कोर्ट में डालनी चाहिए, और तब तक के लिए हमारे मराठा भाइयों को जो सहूलतें दी जाती है उसको कायम रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।